मजा करेंगे। और सब लोग टाइम से आ गए थे, इस बात का बहुत खुशी है। हालांकि जिस हिसाब से अभी यहाँ पे सब जगह अपग्रेड हो रही है, मुंबई तो सड़कें बन रही हैं, तो पहुंच गए। फिर भी यहाँ पे हम आ रहे थे तो एक लेडी खड़ी थी उदासी। हमने कहा क्या हुआ, कहती मैं गूगल मैप वाली हूँ जो लेफ्ट राइट बताती हूँ। हमने कहा क्या हुआ, लेफ्ट राइट क्यों नहीं बता पा रही, तो उदास होने वाली क्या बात है। तो कहने लगी मैं क्या करूं, सब जगह अपग्रेडेशन चल रहा है, रोड का काम हो रहा है, लेफ्ट मारो या राइट मारो, जाने वाला यही कह के जाता है तेरी माँ का कुछ पता नहीं क्या क्या कंस्ट्रक्शन ये सब बोले भी भाग जाएगा, हवा चलने लगेगी। सब लोग अपने अपने दिल से प्रे कीजिए कि हवा चले, हाँ बोलो चले, बोलो चले, चलेगी चलेगी। आई अब अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है इस तरह के कार्यक्रम। पहले तो हमारे पति जो है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं प्लीज आप बैठ जाए या तो जमीन बैठ नीचे, तेरे को चार बार कह चुकी हूँ मान भी नहीं रहा है, बैठ जा नीचे, इधर से आया है खड़ा क्यों हुआ है, सीट नहीं है तो किधर से आया है, बैठ जा नीचे, मजाक बना रखा है यहाँ पे, मजाक का कार्यक्रम चल रहा है क्या। ए पहलवान इधर है, सबसे ज्यादा तो तूने बड़दा मचाई हुई है, इतना अंडा खा रहा है, हाँ? बेज 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 क्या? हाँ? नॉनवेज नहीं खाता? अच्छा? तो क्या खा रहा है? कौन सा फल में दौड़ा बनता है? ये कौन एप्पल खा रहा है? शादी हो गया? कहाँ का रहने वाला है? यूपी। यूपी का कहाँ? मथुरा। मथुरा, मथुरा को तो मथुरा बोल रहा है। पेड़े खाया है कभी? हाँ। शादी नहीं हुआ? जब शादी हो जाएगा बीवी को प्यार करोगे? तो कभी पता चलेगा, कभी पता चलेगा। क्या नाम आपका? राधे। राधे 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 राधे, हमारे हस्बैंड हमको प्यार नहीं करते, इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, ऐसे होता ही नहीं, रोमांस नहीं है, डांस नहीं करते, इनको पढ़ ही नहीं है, कोई मनस्थी में आ गए, ठीक है? तुम तो बिल्कुल ना आ गए, ठीक है? तुमने ही रौनक लगाई हुई है, पता है यहाँ पे? ऐसे भागते तो बाल उछल उछल जा रहा है तुम्हारा। हमारे पति टोटल नल्ले हैं, क्या बताएं? मतलब क्या ही बताएं, हमारे पति ये परसों निकल गया, मतलब इनको कुछ आता ही नहीं है। अरे हम आपको पहचान गए, आप जेंट्स हैं ना, बाथरूम के बाहर फोटो लगा हुआ है आपका, नीचे लिखा हुआ है जेंट्स। हाँ हम अपने पति की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पति हैं बहुत ही नल्ले हैं, उनको काम धंधा कुछ नहीं आ रहा है, बहुत ट्राई किया कि सेट हो जाए। अभी वो ब्रिज बनाने का काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो अंधेरी ब्रिज में लगे हुए थे, बन गया है ब्रिज, मतलब वो तो वर्कर ही है, तो कह रहा हमने कहा बन गया, कहते बना है पर थोड़ा सा यहाँ कॉमेडी प्रोग्राम चल रहा है क्या? छोटी छोटी तुम लोग कैमरा लेके बात बात वो किधर? आप सिखाएंगे बिजनेस? आप सिखाएंगे बिजनेस? आप सिखाएंगे बिजनेस? आपका तो माइक ही नहीं चल रहा है, तो आपका क्या ही चलेगा? चल रहा था, आते ही बंद कर दिया खुद दबा के। हेलो, हमारे हाथ में तो चल रहा है,
फेफड़े पे मत लगा, मुंह पे लगा माइक। क्या नाम है आपका? मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि कहाँ प्रोग्राम करने आए हैं, नाम क्या है तुम्हारा? नाम ही नॉर्बिट है। पापा का नाम मारते हैं चीजें, चीजें बेचते खरीदते हैं, तो हमको भी पता है करते कैसे हैं, ये बताओ। मैं सिखाता हूँ आपको कि चीजें बेची कैसे जाती है। अच्छा, मैं सिखाती हूँ कि बिना माइक के आया कैसे जाता है, बेची कैसे जाती है। मान लो मैं दुकानदार हूँ, ग्राहक हूँ। अच्छा, आपको मेरे दुकान में क्यों मानू? तुमने मेरी बात मानी थी, माइक लेके आ गए। हाँ चलो, मान लो मेरी दुकान है। अच्छा, तो मेरी दुकान पे आना है और चीजें खरीदना। अच्छा, मैं आपकी दुकान पे आऊंगी, आप बताएंगे कि चीजें बेची कैसे जाती हैं। बेची कैसे? अच्छा, मैं आपकी दुकान में आती हूँ और चीजें बेचना सिखा रहे हैं। ठीक है, सुनो, शादी हो गया तुम्हारा? हो गया। इन्हीं से प्यार करते हो? कभी कभी। मुक्का मारू भी बैठा। लाला जी नमस्ते। आती है दुकान में, दुकान है ना, अच्छी दुकान तो ये। दुकानदार के हाथ में माइक भी है, वाह। टिंग टोंग। दुकान में घंटी नहीं होती। इतनी बड़ी दुकान खोली है, घंटी तुमने लगाई नहीं है, फिर काहे की दुकान? ठक 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 ठक। दरवाजा खुला है। दरवाजा कौन लगाता है दुकान में? घर पे दुकान खोली हुई है क्या? लाला जी नमस्ते। नमस्ते। 2 किलो गुड़ की बोतल देना। गुड़ की बोतल नहीं होती है, फिर से आना। अच्छा, लाला जी नमस्ते। नमस्ते। 2 किलो गुड़ बोतल में डाल के देना। गुड़ बोतल में नहीं आता, आपका तरीका ही गलत है। आप जब चीजें खरीद नहीं सकती हो, बेचोगे कैसे? बिजनेस कैसे करोगे? हमको आता ही नहीं है। ए, बात कर रहे हैं। इधर खड़े हो जाओ ना। राधे कहाँ है? ए राधे, तेरा जिम्मेदारी है, तुम्हारी टीम का कोई आती बीच में नहीं खड़ा। हाँ हाँ बोलो। सॉरी, मैं आपको बिजनेस नहीं सिखा सकता हूँ। मेरे घर के सामने। क्या करने का मेरे घर के सामने? मेरे घर के सामने साफ लिखा है यहाँ करना मना है। पूरा सुनो। पूरा सुनाओ। मेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। मेरे घर के सामने गंदा नाला बहता है, कैसे बनाएगा घर? टैटू होगा तेरा पड़ोसी। ऐसे लोग फुटपाथ पे झुग्गी ताल डाल के सो रहे हैं। हाँ, रहने को घर नहीं, मेरे दिल में घर बसा ले। तेरे दिल में म्युनिसिपैलिटी प्लाट काट काट के दे रही है, जो घर बसा ले। कोई ढंग का शेर सुनाओ। थोड़ा हाई फाई शेर आपके लेवल का शेर सुनाता हूँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, बिल्ली मेरी मौसी है। क्या? बिल्ली मेरी मौसी है। कुत्ता तेरा मामा है, चमगादड़ तेरा चाचा है। 15 मिनट डिसाइड होने के बाद, अच्छा अब हम जिसलिए आए हैं आपको बता दें, मेन पर्पज क्या है आज का? हम सपेरे की बेटी, गलत म्यूजिक बजा रहा है। सपेरे की बेटी है, नागिन नहीं है। चंचल चांद है हमारे। आज हम आपको यहाँ पे काला जादू दिखाएंगे, न नीला न लाल न पीला, काला जादू। मैडम
मेरे साथ साथ हिंदुस्तानों का और उसको आगे ले लो स्पेशली उनके बड़ी प्रसिद्ध कैरेक्टर हैं जैसे कि और जब लड़की लड़की होते हैं और जब वो अचानक से शाम होने में जाते हैं वो उनके अंदर पर्टिकुलरली आई थिंक वो नेचर कॉपी कर लेते हैं सबको ये पता है इस कैरेक्टर में किस तरह से बात करते हैं तो लगा था कि चलो पूरा सामने से बट शो ही इतना वायरल है कि आप कहीं ना कहीं आपको नजर पड़ जाती है पड़ जाती है और देख लेते हो और अगर नहीं देखा होता या आप लोगों ने नहीं देखा होता तो जो कैरेक्टर जो करते हैं उतना फेमस नहीं होगा हम सब देखते हैं या तो टीवी में देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं या कहीं से भी वो नजर में आ ही जाते हैं लेकिन अंकित सर को अगर सुनील को कोई गाना डेडिकेट करना होता है तो कौन सा गाना होगा प्लीज सर ये यार अभी नहीं की मजे की है सोचना पड़ेगा यार मैंने सोचा था कि आप ऐसा जो कि कौन सा गाना डेडिकेट कर रहे हैं आई थिंक अगले महीने की फर्स्ट मई से लेकर 10th मई के बीच में एक अच्छा अनाउंसमेंट आ रहा है जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ मैं इतना बता सकता हूँ कि एक अच्छा ही अनाउंसमेंट है और आई थिंक आप सबको पसंद आएगा काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग थैंक यू आप बना रहे थे विशाल भाई थोड़ा आगे बोलो बस बस विशाल भाई इधर देखो विशाल सेंटर विशाल सेंटर लुक विशाल भाई यार राइट वीर मैडम जी का राइट चल के फिल्म में देखिए राइट थोड़ा लेफ्ट ना यस मोबाइल थोड़ा पीछे हो जाओ भाई थोड़ा पीछे सब साथ में रखो ना यार बूम साथ बूम दिख रहा आप पीछे हो जाइए थोड़ा आप दिख रहे बूम नहीं मैडम जी हम क्या पूरी दुनिया सुनील ग्रोवर जी की फैन है एंड ही इज वन आर्टिस्ट जो आपको आधी रात को भी इंटरव्यू का देखो तो आपको हंसा देगा आपका मूड खराब है तो मूड बढ़िया हो जाएगा एंड आई थिंक वी ऑल लव हिम और आई थिंक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु कम टू वॉच द शो एंड सपोर्ट हिम एंड वी लव हिम एंड हमारा तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है वो भी गुलाटी मैं भी गुलाटी मशहूर गुलाटी एंड सो आई लव पाजी एंड ही इज़ अ सुपर ह्यूमन बींग ऑल्सो बहुत अच्छे इंसान भी है और
मैं ऑल द बेस्ट विशेस, इनका हर शो ऐसे ही सुपर हिट चल रहा है, बहुत अच्छा लगा और भी बड़ा अच्छा लगा, और आपको बड़ा प्यार मिला और हमारा गाना भी आ रहा है 1 तारीख को, प्यार आ रहा है कि आपके पाजी नहीं गाए रिलीज होने वाला है, तो जितने भी बाजी के फैंस हैं और हमारे फैंस हैं, मतलब अगर आपको सुनोगे तो अच्छा लगेगा, अगर आपका दोस्त नाराज हो गया तो आप वही गाना सुनोगे, नाराज होने नहीं दोगे आपके दोस्त को। लेकिन दोस्ती के मायने क्या आप लोगों के लिए? आप लोग दोस्ती है तो सब कुछ है ना, अदरवाइज तो फिर अकेलापन ही है। वो कहते हैं ना माँ बाप पहले है, उसके बाद तो फिर दूसरा का दोस्त ही है अपना। हाँ, हमारे गाने में लाइन भी है, चाहे रब हो जाए नाराज पर मेरे यार नाराज ना। तो थैंक यू, अभी एक लाइन आ चुकी है गाने की, बाकी 3 तारीख को आएगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम कैमरा लोग सेंटर में हम
ना रहेगा पांच ना बजेगी पांच सौ, पांच सौ तो बजे नहीं ना। एक साइड इफेक्ट है, आदमी को समझ नहीं आता बैंक को तो लगा दिया। रुको 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 होल्ड, सबको पता बिजली आगे भी खाने का आपके भाई का आपके लिए थैंक यू आपके साथ तो बहुत सुंदर है खा ले देखो मैं सेंटर देखे अभी बोला आप तो भी आती है मैंने कहा था कौन भी आती है आपको आती है पर मैंने भी कहा सुनाओ पर आप भी सुनाया आपका नाम तो मुझे एक मिनट मेरा कैमरा ऑन हो रहा है और भी नहीं है रोल वीडियो मुझे तो कर होता है क्या तो वो पोस्टर भी करा है आई हो गई है ओके तो हमें करना क्या है जहां पे वहां आएगा वहां पे ताली मारिए मैम बोल रहा हूं थैंक यू मारिए बाकी नहीं भी वैसे वैसे प्राइस भी को एक को मिलेगा टाइम पर लगेगा आ गया जी ना आ गया जी अरे वो लाइट घुमा दो यार लाइट अरे वो वाला लाइट घुमा दो नहीं है रे चल पकड़ो पकड़ो नहीं 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 पकड़ लुक सेंटर यार आग लगा देते तो जितना भी आप टीवी में देखें वो एक अलग फील होता है लेकिन जब आप उन्हें लाइव परफॉर्म करते देखते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है एक अलग फील होता है एंड पूरी एनर्जी उनकी पूरे ऑडियंस के सब में फैल जाती है सो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली अमेजिंग आई लव आई थिंक किसको कॉमेडी नहीं पसंद है इतनी स्ट्रेस की लाइफ में कॉमेडी एक ऐसी चीज है जो हम सबको हंसाती है सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी ऑल हैव एंड थैंक्स टू दीज अमेजिंग आर्टिस्ट हु मेक अस स्माइल मेक अस लाफ एंड यू नो My fitness routine is more like workout. I also go for my dance class routine. So like I go less on carbs at times and then have more proteins and veggies. So that's how I go about it. But then at the end of the day, you have to keep yourself physically fit. Any questions? Thank you so much. Bulo, sir, bula lo, sir. Okay, done. लुक सेंटर आई दी लुक चलो बाय चलो मैम होल्ड पर बहुत ही मजा आ रहा है सुनील ग्रोवर जी का पब्लिक शो आई एम अ ह्यूज फैन आई नो हिम पर्सनली एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड मेरे हिसाब से उनसे बेहतर एक्टर कोई नहीं है बिकॉज हिज कॉमिक टाइमिंग जी कमाल के आर्टिस्ट
तो है लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं एंड दैट रिफ्लेक्ट्स व्हेन ही कम्स ऑन स्क्रीन या जब भी हम उनकी कोई भी उनकी एक्ट देखते हैं उनको टीवी पे देखते हैं वो ऐसा लगता है कि अपने ही है सो आई थिंक क्योंकि इतने अच्छे इंसान हैं दैट शोज इन हिज इतने अच्छे इंसान हैं तो उनके लिए एक छोटा सा गाना था 6 बजे नहीं 7 बजे नहीं 8 बजे नहीं 9 बजे ड्यूटी मुझे लगता है कि हमारी जो जिंदगी हमें भगवान ने दी है और हमें वो देखना चाहिए वो ना देखे कि क्या नहीं है हम बहुत लोगों से काफ़ी बेहतर है सो आई शुड आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर व्हाट वी हैव तो फिर ये स्माइल अपने आप आ जाएगी वेल अभी रिसेंटली मैंने अपना सिंगल रिलीज किया है यार पढ़ाया तेन और बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से आज एक रणनीति करके जियो सिनेमा में एक वेब सीरीज आई है उसमें भी एक मैंने कश्मीरी गाना गाया है और एक बहुत ही प्यारा वेडिंग सॉन्ग आने वाला है और बस आप बस धनंजय को देख लिया हेलो हाय एवरीवन दिस इज सोनिया बिरजे एंड ट्रस्ट मी दिस शो इज सो एंटरटेनिंग आई एम सच अ बिग फैन ऑफ सुनील ग्रोवर ही इज इजंट ही द बेस्ट इजंट ही द बेस्ट सो वी आर एंजॉयिंग द शो इट्स अमेजिंग एंड आई हैव अ न्यूज माय मूवी इज रिलीजिंग ऑन 10th ऑफ मे इट्स कॉल्ड टिप्सी डायरेक्टेड बाय दीपक तिजोरी सर एंड इट्स It's got 5 gorgeous, talented young women, and its adventure is thrilling, suspense. So, please come, show us your love and support. 10th of May in theaters. Ladies and gentlemen, time for us to come and see our winner. Yes, a very senior actor. How was it going? Amazing. I mean, working with him as a director, like he's great. He just lets you be yourself. मतलब और जब आप एक एक्टर होते हो ना तो आप एक एक्टर को समझ सकते हो एक दूसरे लेवल में और आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो क्या कैसे करना है क्या सीन करना है क्या है एंड इट्स अमेजिंग और उन्होंने एक्टिंग भी की ही इज डन अ फैंटास्टिक सो इट वाज ग्रेट आई एम वेरी लाइक हैप्पी एंड दिस इज माय डेब्यू इन बॉलीवुड सो आई एम एक्साइटेड इट्स वेरी डिफिकल्ट क्या होता है कि आप जब अपनी वॉइस को जब चेंज कर रहे होते हैं आप एक डिफरेंट टॉपिक को लेकर आप फिर आपके साथ
लाइनें होनी चाहिए तो अनडाउटली मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बट यार वो इतने सालों से वो कर रहे हैं और सुनील साहब के लिए अपनी बोलने जरूरत नहीं, मतलब उनकी प्रेजेंस ही आप देखोगे जब वो स्टेज पर आते हैं, आप उनको देख के हंसना शुरू कर देते हो, हमारे जैसे को पहले कुछ एफर्ट करना पड़ता है तब वो लोग हंसना शुरू करते हैं, तो नोटिस कराना पड़ता है। हां नो प्रॉब्लम। अगर कुछ इंस्पिरेशन लाइक स्टेज पे नहीं आनी हो लाइक शेयर विद द ऑडियंस सक्सेस इंस्पिरेशन। अरे बड़ा मतलब छोटा मुंह बड़ी बात में क्या कर पाऊंगा, हम हमेशा सीखते रहते हैं और पहली बात इतने बड़े इतने कमाल के आर्टिस्ट हैं, पहले आप ये समझ लो ऑलमोस्ट मैंने आधी से ज़्यादा आवाज़ें मैंने उन्हीं से सीखी हैं, तो इसमें मुझे बोलने में बड़ी फख्र महसूस होता है कि इतने बड़े कमाल के आर्टिस्ट और जब इतने नज़दीक से आप उनको परफॉर्म करते हो देखते हो ना, तो कई बार जो नुएंसेस होते हैं आप देख रहे होते हो, जो नेक के और लिप्स के मूवमेंट होते हैं, तो आपके लिए और ईजी हो जाता है कि वो चीज़ आप और बेहतर तरीके से कर पाए। लेकिन सुनील सर का जिस तरीके से कमबैक हुआ है कपिल शर्मा शो में, मीडिया के लिए ऐसा होता है जितनी मुझे नॉलेज है उनकी पहले भी बातें होती रही, उसके बीच में उन्होंने सनफ्लावर का सीजन किया, वन किया, टू किया, उसके बाद उनके मूवीज के प्रोजेक्ट के लिए बिजी थे, उसके पहले भी जब बात हुई तो दोनों एक दूसरे से पहले भी बात करते थे, बस हो सकता है कई बार उनके दो अपने अलग अलग कोई रीजन हो, चैनल का रीजन हो, जो अनडाउटली अच्छे दोस्त आज भी है, देखो ना नेटफ्लिक्स में वो कर रहे हैं, क्या आप भी जाने वाले? नहीं नहीं, हमको भी मौका मिलेगा, इतने बड़े बड़े महारथियों के बीच में हमारे जैसों को जब मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। कपिल शर्मा शो में मौका मिला था तब वहाँ पर भी गए थे, आगे भी मौके हैं। लेकिन आपको लगता है कि टीवी से हटाकर वो पर शो डालना चाहिए? एक्सपेरिमेंट को करते रहना चाहिए ना, मतलब हर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, वरना आप देखो ना इतने बड़ा नाम है, अपने पर एक शो किया गया, ये भी तो एक्सपेरिमेंट ही है ना, डिपेंड करता है, देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड 40-50 कंट्रीज में लोग उसको यहाँ पर देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी इंडियन ऑडियंस है, मतलब दुनिया के हर मुल्क में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इतना पैसा देख सकते हैं वो, प्रियंका है ना, तो ये नेटफ्लिक्स की तरफ जो टीवी के थ्रू नहीं देख पाते थे, अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, उनके अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होते हैं, ये चैनल आएगा वो नहीं आएगा, वहाँ पर ये लोग इतने कंट्रीज में पहुँच गए, तो सबसे बड़ी कमाल की बात हमारी इंडिया के लिए ना, कि इंडिया के इतने बड़े मतलब लेवल के आर्टिस्ट ना उनको दुनिया में जा रहे हैं, तो इससे हम सभी की हम जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ती है। हम सभी जानते हैं कपिल शर्मा ने एक छोटे शो से शुरुआत की, छोटे शहर से इतना बड़ा शो साथ, जब किसी देखो है ना ऐसा सवाल है, पहले लोग बड़े बड़े कमाल कमाल के आंसर देते हैं, लेकिन देखो ये होता है चैनल माई बाप होता है, अभी हमारे ऊपर भी हाथ रख दिया, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, चैनल हमेशा हमें मौका देता है कि जब उनको लगता है कि जय विजय की यहाँ पर नीड है तो बुलाते हैं और बड़ा रिस्पेक्ट और जाते हैं, तो होपफुली आपकी हो सकता है, उन्होंने आपने ये बात की है, हमको मौका मिल जाएगा, हम भी कर देंगे। एक आखिरी सवाल, काफ़ी एक्टरों की आपने आवाज़ निकाली है, बहुत बड़े फैन हैं हम भी आपके, लेकिन सनी देओल साहब का आवाज़ बहुत कम निकाला, बहुत कम निकाली, मेरा पहला शो था शेखर जी के द्वारा हमने कराया, सक्सेसफुल हुआ तो आगे भी ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि इतनी ऑडियंस देख करके और आप लोगों के सबके सहयोग से इतना सक्सेस हुआ और हम सब बहुत खुश हैं और आगे भी बहुत अच्छा शो रहा, और ऐसी पहल जो सर ने की है आज जो ऑडियंस को देखे बाकी दिल के बहुत अच्छा शो हुआ और आगे भी इस टाइप की शो। थैंक यू।